हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हमारे पास है एक बोस का प्रोडक्ट जो कि है ये, आप अगर देखें तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग में है ये। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये है कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर जो कि बोस का प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो अगर इसके बॉक्स के बारे में देखें तो यहाँ पे अगर आपको शायद दिख रहा हो, प्राइस दिख रहा हो, 4800 के आसपास है। और बाकी सब डिटेल्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3.6 वोल्ट, 5 एनएम टॉर्क, 360 मिनट रोटेशन, 360 रोटेशन पर मिनट का है शायद। टॉर्क सिलेक्शन के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए इसको फटाफट ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए पहले हमारा जो यहाँ पे इसका लोगो है या स्टिकर कह लें, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ओपन करने के लिए स्लाइड दिए हैं, इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे। इसके बाद ये धीरे से ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जो कि बोस का यहाँ पे दे रखा है कि पावर बटन है साइड में, यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए दे रखा है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाने से स्क्रू टाइट होगा और उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। काफ़ी यूनिक सा पैकिंग दिया हुआ है, काफ़ी बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है इसमें देखने पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पैक ऊपर से भी किया गया है प्लास्टिक से, और यहाँ पे पैकिंग में जो है आपको इसके सारे बिट्स मिलते हैं जो कि लगभग मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 32 बिट्स प्लस इसका एक मास्टर वो दिया गया है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करके भी इससे यूज कर सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा है, इसमें बिट्स और प्लस माइनस वाले इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और दूसरा ये है अपना ड्रिल बिट का मशीन, मतलब ये स्क्रू ड्राइवर का मशीन है ये, ठीक है। काफ़ी हैवी है, बाकी जो कंपनियों के हैं उनसे तो काफ़ी हैवी और स्टडी मटेरियल लग रहा है। तो फटाफट देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पावर और यहाँ पे रोटेशन है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो पीछे 3.6 वोल्ट का 360 रोटेशन पर मिनट का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार इसको ऐसे चला के देखते हैं, तो आप इसको देख पा रहे हैं ये अभी ओपन पोजीशन पे हैं। अब इसको करेंगे तो ये टाइट पोजीशन पे, मतलब टाइट करने लगेगा उस, और अप कर देंगे यहाँ से तो ओपन करने लगेगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे कुछ एक लाइट से जलने लगती है, अगर आप देखें तो LED लाइट से ब्लिंक करने लगती है। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक यूजर मैनुअल, कुछ वारंटी कार्ड जैसा, और एक USB टाइप सी से पहले वाला टाइप बी होगा, मे बी USB टाइप बी का ये चार्जिंग है जो कि आप अपने फ़ोन के चार्जर में लगा के इसको यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लग जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगेगा, फिर चार्जिंग आप कर सकते हैं। तो ये बीच में रहता है तो ऑफ रहेगा फ्रंट में, और पीछे वो आगे पीछे करने के लिए रहता है। तो कोई सा भी इसमें से एक वो लेते हैं, पिट के आगे ऐसे लगाते हैं, बिल्कुल मैग्नेट मैकेनिज्म पे है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रोटेशन के लिए यहाँ पे कई सारे वो दिए गए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे स्लो ऑप्शन रहेगा, स्क्रू हैं छोटे स्क्रू के लिए यहाँ पे हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाने का है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो उससे थोड़ा हैवी नट हैवी स्क्रू रहेगा यहाँ पे करेंगे, और मैक्स यहाँ पे रहेगा। मैक्स देख सकते हैं कितना तेज ये चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और स्पीड यहाँ से थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ा स्लो हुआ और थोड़ा स्लो करते हैं, और यहाँ पे एकदम स्लो ओपन होगा, ठीक है। और अगर इसको यही ओपन और क्लोज का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप भी थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर आपका थोड़ा रुझान मैकेनिकल वर्क की तरफ ज़्यादा है जिसमें आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह की यूज पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा है ये आपके लिए। और एक इसका थोड़ा सा कुछ तो ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि कैसा है ये प्रोडक्ट। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ है जो कि खुलने लायक है तो उसको खोलते हैं फिर। तो मुझे मिला है एक पुराना सा फैन, अब हम लोग इस पर ट्राई करते हैं इसको, इसका ये वाला स्क्रू ओपन करके। तो ओपन, अभी ये क्लोज में है, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ओपन करने लगेगा।
यहाँ पे इजीली ओपन कर दे रहा है। इसको ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं इजीली ओपन हो गया ये। इसको टाइट करके चेक कर लेते हैं कि टाइट करने में क्या रहता है। अभी मैंने स्लो पे कर रखा है, ज़्यादा पावर दिया नहीं है इसको, तो इसको इस पे रख के नीचे की तरफ कर देते हैं। तो ये टाइट हो गया, बहुत जल्दी काम होता है इससे। अब आप इसको ऐसे ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर से कब तक टाइट करते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें होने से आपको थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है और एक अच्छा खासा बचत हो जाती है टाइम की। तो आज के डेट में पैसे तो शायद सबको ही कमा लेता है, बट अगर आपको टाइम कमाना है तो टाइम कोई नहीं कमा सकता, ना कोई आपको टाइम खरीद के दे सकता है। तो ये सारी मशीनें इसीलिए मशीनों का निर्माण हुआ ताकि आपका टाइम कम मतलब टाइम बचे और आप उसका यूटिलाइज कहीं और अच्छे से कर सकें। तो ये था दोस्तों हमारे पास बोस का स्क्रू ड्राइवर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब प्रोडक्ट्स में तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चाहें तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।